हेलो फ्रेंड्स, सुजलोन एनर्जी में आज के दिन तीन बड़ी लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आई। तीनों अपडेट की बात करेंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड की यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है जिसमें राइट इशू को लेके हुए जानकारी दी गई है। सभी चीज़ों की बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। अभी हम चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ के ऊपर, बट उसके पहले यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक भी कर देना, एंड लाइक का जो टारगेट है वो 250 रखा गया है, तो प्लीज़ इतने लाइक करा दीजिए जल्दी जल्दी। अभी हम आ चुके हैं फर्स्ट न्यूज़ के ऊपर, एंड बिजनेस स्टैंडर्ड ने यहाँ पर जो न्यूज़ पब्लिश किया, यहां पे बताया गया सुजलोन एनर्जी ने जो शेयर अलॉट किए वो 2842 लाख इक्विटी शेयर हैं। तो यहां पे यदि मैं यहां पे थोड़ी सी दिक्कत है, ये 28.42 लाख है, लेकिन यदि आप नीचे इनके फुल पैराग्राफ में देखें तो यहां पे बताया गया है कि 28 करोड़ शेयर की यहां पे अलॉटिंग हुई है, रेजिंग किए हुए हैं सुजलोन एनर्जी ने, मार्केट में लाने वाला है। जो राइट इशू को लेकर जानकारी है वो यही है कि 28 करोड़ शेयर मार्केट में आने वाले हैं। जो यहां पे परसेंटेज एनएम पे इंटरेस्ट रखा गया था वो 2.75 है, जो एक तरह का बॉन्ड होता है। ये जो बॉन्ड होते हैं, जो बैंक्स में बॉन्ड होते हैं, वही इनके पास एक बॉन्ड था जिसकी यहाँ पे डेट थी 2032। तो 2032 तक वो चलना था, लेकिन उसके एवज में इन्होंने सुजलोन एनर्जी ने क्या किया है, लगभग 28 करोड़ शेयर मार्केट में उतार दिए राइट इशू के रूप में, जो आपको मिलने ही वाले हैं, कुछ समय बाद मिल जाएंगे। बट यदि आप यहाँ पे देखें तो टोटल नंबर ऑफ शेयर जो इस समय सुजलोन एनर्जी के हैं वो हैं यहाँ पे इतने 1007 मिलियन टोटल नंबर ऑफ शेयर है। एंड यदि आप इसकी टोटल वैल्यू देखें तो वो है यहाँ पे 2014 मिलियन रुपीस। तो ये यहाँ पे वैल्यू है। तो आपको कितने शेयर के बदले कितने इक्विटी शेयर मिलेंगे, एक मोटा मोटी आप कैलकुलेशन मान लीजिए, 350 शेयर के बदले यदि आपके पास 350 सुजलोन एनर्जी के शेयर हैं तो आपको 10 राइट इशू का फायदा होगा। आप एक बात मान के चलिए, लगभग 1000 इक्विटी शेयर पे आपको 30 से 35 शेयर सुजलोन एनर्जी के राइट इशू में मिलने वाले हैं। ये यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ आज के दिन निकल के आई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को यहाँ पे अभी लाइक जरूर कर दें। सेकंड न्यूज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एंड थर्ड न्यूज़ इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड न्यूज़ में यहाँ पे बताया गया है, अमेजोन एक्सपेंड्स इट्स रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट विद फास्ट इन ब्राज़ील, इंडिया एंड पोलैंड। तो तीनों बड़ी कंट्रीज, मेजर कंट्रीज में ये अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट लाने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए हमारी कंट्री से निकलने को दिख रही है। जो थर्ड न्यूज़ यहाँ पे रहने वाली है, बट उसके पहले हम थोड़ी सुजलोन एनर्जी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि उससे आपको थर्ड न्यूज़ समझने में ज़्यादा आसानी होगी। सुजलोन एनर्जी बाइंड एनर्जी सेक्टर में वॉक करती है, इंडिया की नंबर वन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी है। एंड यदि इसकी टोटल मेगावाट कैपेसिटी देखें तो 19,441 टोटल मेगावाट कैपेसिटी है, एंड पूरे वर्ल्ड वाइड में फैली हुई है। इसके ग्लोबली कस्टमर्स हैं, 1900 से भी ज्यादा कस्टमर यहां पे दिखाए गए। टोटली यहां पे वाइंड एनर्जी सॉल्यूशन में वर्क करती है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट से मिलते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक 850 मेगावाट का प्रोजेक्ट इन्हें मिला है, तो वो मैं लास्ट वीडियोज में डिस्कस कर चुका हूं। बिल्ट इन फर्स्ट क्लास सर्विस, तो एक अच्छी सर्विस देने के लिए जानी जाती है। इंडिया की टॉप नंबर वन वाइंड एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी है, तो आप ये मान के चलिए। एंड यदि यहां पे देखें तो इंडिया, थर्ड जो न्यूज है, इंडिया ने यहां पे मीट्स किया है 2/3 ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट सेज रिपोर्ट। इंडिया ने यहाँ पे माना है कि अब हम आने वाले समय में लगभग 2030 तक हम 1/2 हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी से लाने वाले हैं, क्योंकि अभी क्या है कि थर्मल पावर प्लांट्स का बहुत ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। देन यहाँ पे जो 2030 तक के टारगेट है वो लगभग 75% तक के टारगेट यहाँ पे अचीव करने वाला है इंडिया। तो इस पूरे सेक्टर के साथ साथ इन सभी शेयरों में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, जो कहीं ना कहीं एनर्जी सेक्टर में वर्क करते हैं। जरूर अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कशन जरूर करें, एंड इन सभी शेयरों में निवेश करने की सलाह लें। बकाया भी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ, बट उसके पहले आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किया। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर देना।